सो दोस्तों रोडीज का आज का एपिसोड हो चुका है ख़त्म। और दोस्तों प्रिंस भाई जो है, प्रिंस भाई और गौतम गुलाटी का फिर से आज हो गया है झगड़ा। दोस्तों ये झगड़ा काहे ख़त्म नहीं होता यार, काहे ख़त्म नहीं होता। और जो टास्क था शिवित और भूमिका और आकृति के बीच में, वो टास्क में दोस्तों कोई घर नहीं गया, कोई ठंडे पानी के डर से उठा नहीं। तीनों की तीनों कॉफिन में लेटे हुए थे, एकदम हार नहीं मान रहे थे, क्योंकि बहुत तीनों में अंदर जो एक घमंड था कि मुझे नहीं जाना है यहाँ से आके। कल राजवीर गया था, बड़ा दुख हुआ। पता नहीं ऐसा लग रहा है, स्क्रिप्टेड टाइप लग रहा है मुझे, राजवीर जा रहा है, ये जा रहा है। और शिवित बच गया, शिवित तो अब सबकी बैंड बजाएगा दोस्तों। कल अगला टास्क जो सैटरडे वो और भी टफ होगा दोस्तों टास्क, क्योंकि वो लोग सीतू या सीनू जा रहे हैं, वो लोग कहीं पर जा रहे हैं, वहीं पर कहाँ पर वो लोग जा रहे थे, मतलब अगला डेस्टिनेशन उनका उनका शायद सीनू है, कुछ बोल रहे थे वो लोग सीनू बोल के। या तो ये तो है दोस्तों, ये चल रहा है और एक रोडीज में। और ये प्रिंस ने कुछ इंस्टाग्राम पोस्ट कर दिया, प्रिंस भाई हमारे गौतम और रिया के बीच कुछ उल्टा सीधा बोल के उन्होंने, ये रिया को अच्छा नहीं लगा। फिर गौतम शुरू हो गए कि यहाँ पर कोई भी किसी को गाड़ सकता है मार के, यहाँ पर कोई भी कुछ कर सकता है। फिर इसमें लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया प्रिंस और गौतम का, लड़ाई झगड़ा हाथ बात लगाना शुरू हो गया फिर से वो शुरू। तो फिर सोनू सूद सर आए वो करने। लेकिन दोस्तों आज का जो टास्क था वो ख़तरनाक था। ठंडा ठंडा पानी, ठंडा ठंडा जो पानी था पूरा डाला गया सबके मुंह पे, एकदम उसके मुंह पे। ऋषभ को आज दोस्तों बहुत गुस्सा आ गया। ऋषभ दोस्तों पीयू पे गुस्सा आ गए, क्योंकि पीयू ने ऋषभ के यहाँ पे गर्दन पे वार किया, पता नहीं क्यों। पीयू तो ऋषभ थोड़ा वो रहता है, चोटों से डर है उसको थोड़ा, क्योंकि वो मॉडल है ना, तो मॉडल लोगों को थोड़ा चोट से वो होता है। तो ये आज का एपिसोड बहुत ही बढ़िया था, अच्छा था। आकृति ने हार नहीं मानी दोस्तों, और आकृति तो डर रही थी प्रियंका से कि कितना पानी मारेगी वो। और जो थे क्या बोलते हैं उनका नाम, शिवित जो थे वो सचिन से डर रहा था, क्योंकि सचिन नहीं चाहता कि शिवित बाहर आए। और सचिन बाद में बोल रहा था कि इतना मेहनत करके साला कोई गया ही नहीं, तीनों के तीनों अंदर है, तीनों के तीनों ही नहीं गए, जर्नी पर रहेंगे। इसी बात फिर ये कांड हुआ। फिर आकृति तो स्ट्रांग प्लेयर है दोस्तों, शी इज़ अ स्ट्रांग गर्ल। इतनी कम उम्र, 21 साल में दोस्तों, कम उम्र में दोस्तों बहुत जान है लड़की में, ताकत है बहुत। सो लड़की आगे जाएगी बहुत, है ना आकृति, और वैसे गुड गर्ल चीज़ है। और बाकी तो आपने देखा ही है रोडीज, आपको पता है क्या है। तो आज कोई एलिमिनेशन नहीं होगा, लेकिन कल का अगला टास्क जो होगा सैटरडे वो होगा एलिमिनेशन टास्क, क्योंकि रोडीज का जर्नी अब एंडिंग पे आ रहा है दोस्तों, ख़त्म होने वाला है। तो अब जो टास्क होंगे वो बहुत एलिमिनेशन टास्क होगा, जो टास्क हारेगा वो बाहर जाएगा, कोई वोट आउट ज़्यादा नहीं होगा। क्योंकि वोट आउट से राजवीर गया था, राजवीर को सबने टारगेट करके निकाला दोस्तों, क्योंकि सबको पता था राजवीर एक टफ चैलेंज था, कंटेस्टेंट था। और बाकी तो यही है रोडीज़ में, आज का आज कुछ खास नहीं है, बस कल का सैटरडे का एपिसोड अच्छा होगा। प्रिंस और गौतम में फिर होगा लड़ाई, प्रिंस ने कुछ पोस्ट कर दिया इंस्टाग्राम में दोस्तों, वही है उनका चलता रहता है, क्योंकि प्रिंस बोलते हैं गौतम बहुत ज़्यादा घमंड है उनका, ये है वो है। तो ये तो चलता रहेगा दोस्तों, शो भी चलता रहेगा। अब देखते हैं रोडीज़ कौन बनता है, वाशु बनता है क्या रोडीज़, या कौन बनता है, देखेंगे। चलिए दोस्तों, थैंक यू भाई।